हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल। आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी की। जब प्रेगनेंसी एक या दो महीने की हो तब हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, और प्रेगनेंसी लॉस अगर बार बार हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उससे कैसे बचें। सो दोस्तों, प्रेगनेंसी माँ बनना एक सबसे सुखद अनुभव है हर औरत और हर कपल की ज़िंदगी में। जब पहली बार आपके घर में छोटा सा नन्ना सा बच्चा दस्तक देता है कि मैं आ जाऊं, तो वो टाइम सबसे ज़्यादा खुशी वाला देने वाला होता है। सो ये टाइम पे आमतौर पे जो नए कपल्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि उन्होंने कब इसका टेस्ट करना है, कब सोनोग्राफी करानी है, सोनोग्राफी क्यों करानी है। अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है लेडीज़ खास करके। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और स्कैन कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लेडीज़ के दो अंडकोश होते हैं और पुरुष के वहाँ से अंडा निकलता है, और पुरुष के शुक्राणु को मिलके जो फिलोपियन ट्यूब में मिलते हैं जाके, वो फिलोपियन ट्यूब में उनका निषेचन या फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है, जो एम्ब्रियो है, उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है बच्चेदानी में। सो इनिशियली जब एक दो दिन हुए ऊपर होते हैं, जब एक दो दिन ही हुए होते हैं, तब तक तो कोई विशेष चेंज नहीं आता बच्चेदानी में। बट विद टाइम, क्योंकि इनकी रफ्तार इतनी फास्ट होती है, मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स, ना मल्टीप्लाई होते हैं, दो से पहले एक सेल होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। सो उनकी डेवलपमेंट हम देख पाते हैं कि कैसे कैसे भ्रूण जो एम्ब्रियो है वो डिवेल्प कर रहा है। सो हमें एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते या दो हफ्ते के बाद हमें कुछ सिम्टम्स, क्योंकि हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उनके आने लग जाते हैं, जैसे कि जी कच्चा होना, सुबह के टाइम पे उबकाइयाँ आना, एसिडिटी बनना, उल्टियाँ आना, ये चीज़ें, सर दर्द रहना, शरीर में थकावट, कमजोरी रहना, ये चीज़ें, या पेट में दर्द रहना, ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं एक न्यूली प्रेग्नेंट लेडी के लिए। सो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि इस टाइम पे बच्चों एम्ब्रियो में सेल्स के बढ़ने और बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जमा नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ध्यान रखें कि इस दौरान हम कोई भी हानिकारक चीज़ ना खाएं, कोई हानिकारक दवाई ना लें जिससे बच्चे की ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़े या कोई डिफेक्ट आ जाए। आमतौर पर जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में मेल सिबलिंग, मेल बच्चे के लिए बहुत चाहत है, हालांकि सरकार ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं, जेल का प्रावधान है अगर आप कोई इस टाइप का काम करते हो कि लिंग चयन की आप बात करो, बात भी करो, उसमें भी आपको सज़ा हो सकती है। तो ना तो आप खुद बात करें, ना ही आप किसी से पूछें, ना ही कोई इल्लीगल काम करें, ये मेरी आपको अपील है। और कुछ साधु टाइप के स्वयंभू लोग आपको कहेंगे कि हम दवाई दे देते हैं आपका, जी बच्चा लड़का हो जाएगा, ये या लड़की हो जाएगी। सो ऐसे चक्रों में ना पड़े, ये लोग ठग होते हैं। सो ठगी से बचें, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम का फैसला तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही हो गया होता है। जो प्रेगनेंसी ठहर गई उसका लिंग फिक्स हो चुका है, उसको कोई डॉक्टर, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष, कोई नहीं बदल सकता। सो ये लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर उसका एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको कहेंगे इतना खर्चा कर लो, ऐसे कर लो, जी बाद में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेरी बात लिख लें, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्या क्या हम सावधानियाँ रखें। सो नंबर वन सावधानी है कि ना तो हम कोई ऐसी दवाई लें जिससे हमारे बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े,
ना ही कोई माँ ऐसी दवाई ले कि जैसे हम पहले बुखार के लिए, खांसी के लिए केमिस्ट से पूछ के भी ले लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कोई पेन किलर ले लेते हैं, या कोई भी दवाई हम ऐसे ले रहे हैं, तो उसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ गर्भ अवस्था में प्रतिबंधित होती हैं, कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। इंडिकेटेड तो होती है जो दी जा सकती है, बहुत सी दवाइयाँ हैं जो नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। वो एट्रोजेनिक होती हैं, उनसे क्या है कि प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आप कोई भी दवाई लें तो उसके लिए आप बहुत सावधानी रखें, अपने डॉक्टर से सलाह करें और खान पीन का अपना ध्यान रखें, अच्छी खुराक लें, बैलेंस डाइट लें, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां वगैरह लेते रहें, पानी ज़्यादा पिए, तो इससे आपकी हाइड्रेशन बनी रहेगी। अगर आपको वॉमिटिंग भी आ रही है तो आप अपने न्यूट्रिशन पूरा लेते रहें। अब रही बात स्कैन का, क्यों कराएं और कब कराएं। स्कैन कराने के दो फायदे हैं, इस अवस्था में दो फायदे हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि बच्चा बच्चेदानी में है कि ट्यूब में ही बड़ा हो रहा है, कि बच्चेदानी में आया ही नहीं, ट्यूब में ही बढ़ रहा है, तो वो तो बहुत ख़तरनाक कंडीशन है। क्योंकि बच्चेदानी को तो भगवान ने बनाया ही है, घर बनाया बच्चे का, वो बढ़ती जाती है, वो थैले की तरह बड़ी हो सकती है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, पर ट्यूब के पास वैसी कैपेबिलिटी नहीं है कि ट्यूब बड़ी हो जाए। वो कुछ महीने तक ही, कुछ हफ्तों तक ही रादर संभाल पाएगी आपके बच्चे को, और अल्टीमेटली वो फट जाएगी, उससे बहुत ब्लीडिंग होती है, इनसेंसिबल लॉस होता है, पेट के अंदर अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, बंदे को पता भी नहीं चलता, और एक समय ऐसा आता है कि पेशेंट कोलैप्स होकर गिर जाता है। तब उसका इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, नहीं तो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। सो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टू कन्फर्म इंट्रायूट्राइन और एक्स्ट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। नंबर टू, चौथे पाँचवें हफ्ते से हमें बच्चे की धड़कन महसूस कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे। अब इतने अच्छे अल्ट्रासाउंड स्कैनर आ गए हैं कि उसमें पाँचवें हफ्ते में आके हम अपने बच्चे की धड़कन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि बच्चे एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं। मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि आजकल IVF का ज़माना है, मैंने अपनी लाइफ में पाँच बच्चे देखे हैं। उसके बाद फीटल रिडक्शन के लिए गए, वो बात चलो अलग है, फीटल रिडक्शन के लिए गए, वो अपने जान में तीन बच्चे रिमूव करवा के आए, उन्होंने कहा चलो ट्विन पल जाएंगे, दो बच्चे हम रख लेते हैं, तीन को रिमूव करवा दिया, और बाई चांस उनको उस टाइम पे कहीं दिखा नहीं या मिस हो गया, एक बच्चा और मिस हो गया, तो बाई द टाइम शी केम बैक टू मी फॉर अगेन स्कैन, रिपीट स्कैन, सो देर वॉज ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। तो वो बड़ी मुश्किल उनको बाद में आई, वो तीन बच्चे संभालना मुश्किल होता है, बट ऑल ऑफ देम सर्वाइव्ड। सो ये देखना ज़रूरी होता है कि बच्चे कितने हैं, उनकी पोजीशन कितनी है, कि प्रेगनेंसी कहीं कॉर्नुअल तो नहीं हो गई, बच्चेदानी में कॉर्नुअल जहाँ फिलोपियन ट्यूब आके जुड़ती है तो वहाँ पर भी प्रेगनेंसी कई बार हो जाती है। कई बार क्या है कि प्रीवियस स्कार के ऊपर प्रेगनेंसी हो जाती है, कि पहले सिजेरियन हुआ है, वहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसी प्रेगनेंसी में बहुत खतरा बढ़ जाता है, तो जोड़ खुलने का खतरा हो जाता है, प्लेसेंटा बाद में चिपका ही रह सकता है, जिसको प्लेसेंटा क्रीटा प्रक्रीटा बोलते हैं। सो ये चीज़ें हम पहले से ही मैनेज करके चलें ताकि बाद में हमें एकदम से कहीं भागना ना पड़े। सो इस वजह से हमें ये स्कैन करवाना पड़ता है। नंबर थ्री ज़रूरत है कि डेटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, कि हमारी प्रेगनेंसी डेट के अनुसार चल रही है, जो हमारी डेट है और जो अल्ट्रासाउंड पे भी डेट आ रही है वो ठीक आ रही है, बराबर आ रही है, बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है, ज़्यादा और कम तो नहीं कर रहा। सो इन वजह से हमें ये स्कैन, इनिशियल अर्ली स्कैन करवा लेना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं डेली, तो तीन चार पेशेंट तो ऐसे ही होते हैं कि जिनके ब्लीडिंग हो जाती है। सो कई बार सामान्य तौर पर भी कई लोगों के ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें बच्चे का लॉस नहीं होता, उसमें माँ का लॉस नहीं होता, कई बार वैसे ही थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे जैसे बच्चेदानी ग्रो करती है कहीं से कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। सो कई बार तो ये फेटल नहीं होती, खतरनाक नहीं होती, कई बार क्या है कि बच्चे की अटैचमेंट बच्चेदानी से अलग हो जाती है, या
बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, फेलियर में चला गया, प्रेगनेंसी फेल हो गई है, ठीक काम नहीं कर रही, क्योंकि भगवान ने एक ऐसा फिल्टर लगाया हुआ है हमारे शरीर में कि अगर बच्चा ठीक नहीं है, अगर बच्चे में कोई गड़बड़ है, अगर उसके जेनेटिक लेवल पे भी कोई गड़बड़ है, तो वो प्रेगनेंसी आगे नहीं चलती। वो भगवान रोकने की कोशिश करते हैं कि आपको एक स्वस्थ बच्चा ही दें, टेढ़ा मेढ़ा अपाहिज बच्चा ना आपके हो। सो उन केसेस में ये प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। सो ये इनएविटेबल होती है कि जब बच्चा ख़त्म हो जाए उसके कुछ हफ्तों बाद ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो आमतौर पे देखा गया है कि 25% ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज, जो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस है, वो 25% के करीब है। 25% मीन्स 1/4 ऑफ द प्रेगनेंसीज विल गो लाइक दिस, ठीक है। सो आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी लेडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 25% 5, 5, 5, 5, ठीक है, 25% नॉर्मल कारणों से भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। सो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है तो एक 10 पैसे की गोली से आपका बचाव हो सकता है, क्योंकि एंटी मलेरियन, एंटी क्रोमोसोमल कुछ एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है। कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर करती हैं, तो उसका इलाज इतना मुश्किल नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ भी बन जाती हैं, एंटी क्रोमोसोम एंटीबॉडीज़, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं, बहुत सारी बन सकती हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। बट वो क्यूरेबल है, ज़्यादा महंगा इलाज भी नहीं है, आराम से हो सकता है। अगर हमें समझ में आ जाए तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कैन बी प्रिवेंटेड। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का नंबर एक कारण तो ये हो गया। नंबर दूसरा कारण है कि अगर आपके एनीमिया है, कोई इन्फेक्शन है, टॉर्च टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, अगर ये कोई वायरल इन्फेक्शन लगी हुई है आपको, कोई एनीमिया है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, तो उन लोगों में प्रेगनेंसी लॉस बढ़ सकता है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवाई कोई नहीं देते, ना कोई आयरन सप्लीमेंट देते हैं, ना कुछ देते, सिंपल फॉलिक एसिड देते हैं। सो फॉलिक एसिड हेल्प्स इन द न्यूरल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जो बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की और नर्व्स की डेवलपमेंट और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। सो उसकी 5 मिलीग्राम की डोज आपको दी जाती है। सो आपको अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करें तो उसको छोड़े नहीं है, उसको खाते रहें, वो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फोलिक एसिड से आपका एनीमिया भी ठीक होता है। सो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायतों का पालन करते रहें, ठीक है। अब बात आ गई कि हमने ये बात कर ली कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, स्कैन कब कराना चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्यों कराना चाहिए, और अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस को रोकने के लिए आप अपनी पूरी फाइल तैयार रखें, आप अपने जो टेस्ट करवाए हैं उनको एक सीरियल वाइज में लगा के रखें, ताकि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उनसे उनको पिछला आपका रिकॉर्ड देख के, अल्ट्रासाउंड का भी अगर रिकॉर्ड है तो वो भी लगा के रखें, ताकि आपका पिछला रिकॉर्ड देख के वो अपनी जजमेंट कर सकें। सो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। अगर आपको उबकाई या उल्टी वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डॉक्टर से आप संपर्क करें। आजकल बहुत सी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे ये प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं, आप खाने पीने दोबारा लग सकते हैं। आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। सो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको हर संभवता मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप स्कैन कराना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह करके स्कैन करवाएं, नहीं तो अगर मेरे पास आने चाहते हैं तो मेरे पास सीधे भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के डॉक्टर की स्लिप वगैरह लेके आने। हाँ, अपना आधार कार्ड, अपने हस्बैंड का आधार कार्ड और भी जो कोई मेडिकल रिकॉर्ड आपके पास पुराना है वो ज़रूर लेके आएँ, ताकि हमें स्कैन करते हुए ताकि आपको प्रॉपरली हम एवेल्यूएट कर सकें और आपको सही दिशा दे सकें। सो मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल इसी के साथ से आपसे विदा लेता हूँ। डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, डॉक्टर गोयल सुपर स्कैन, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256-93566। थैंक यू वेरी मच।